Hello students hope you all are fine wear your mask properly while going out sanitize yourself frequently and prevention is the best cure so stay protected stay safe in this video we discuss compound obtained by first transition elements first we discuss about potassium chromate its formula is k2cro4 इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड्स. नंबर वन फ्रॉम क्रोम आयरन स्टोन पोटेशियम क्रोमेट क्रोम आयरन स्टोन नाम की एक ओर से ओपटेन किया जाता है जो कि एक क्रोमियम की ओर होती है और और क्या होता है एक कंपाउंड होता है ये मिक्स कंपाउंड होता है जिसमें कई सारे मेटल होते हैं कुछ इम्प्योरिटी होती है जो फिर हम अर्थक्रस्ट के या माउंटेन्स के अंदर से खोद करके निकालते हैं जो ये कंसनट्रेटेड और है क्रोमाइरन इस्टोन की इसको हम मिक्स कर लेते हैं पोटेशियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के साथ और उसके अंदर थोड़ा सा लाइम ऐड कर देते हैं फिर इस पूरे मिक्सचर को हीट कर देते हैं एक रिवर्बिटरी फर्नेस के अंदर अंडर द टेम्परेचर ऑफ 900 हंड्रेड टू वन डिग्री सेल्सियस और ये जो रिएक्शन है हीटिंग है ये एक्सेस ऑफ एयर में होती है एक्सेस ऑफ एयर में जब किसी और को हीट करते हैं उस प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते हैं तो इसमें क्या होता है पोटेशियम क्रोमेट और फेरिक ऑक्साइड ये दो मिक्सचर हमें ओपटेन हो जाते हैं ये केमिकल रिएक्शन है ये शो करने के लिए कि रिएक्शन हुई कैसे जो ओर है एफ ई ओ सी आर टू ओ थ्री रिएक्ट करती है आठ मोलिक्यूल ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लाइम हीट कर लिया गया 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में तो हमें पोटेशियम क्रोमेट मिलता है और फेरिक ऑक्साइड मिलता है ये जो हमें मास मिलता है एक ठोस सब्सटेंस मिलेगा वो येलो कलर का होता है उसके अंदर फेरिक ऑक्साइड और पोटेशियम मिक्सडअप होते हैं तो इनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम इस पूरे प्रोडक्ट को वाटर के अंदर मिक्स कर लेते हैं तो जो पोटेशियम क्रोमेट होगा वो सॉल्यूशन बना लेगा येलो कलर का और फेरिक ऑक्साइड नीचे की तरफ रह जाएगा एज़ इनसॉल्युबल सोल्यूबल इम्प्योरिटी तो इससे हम क्या कर सकते हैं पोटेशियम क्रोमेट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जो दूसरा तरीका है उसमें क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा देते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की पोटेशियम डाइक्रोमेट एक कंपाउंड होता है ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट ये रिएक्शन फॉलो करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के टू सी आर टू सेवन रिएक्ट करता है दो मोलिक्यूल फोर के ओ एच के साथ और पोटेशियम क्रोमेट बना लेता है और एच टू ओ और दूसरी रिएक्शन के अंदर के टू सी आर टू सेवन रिएक्ट कर लेता है के टू सी ओ थ्री के साथ और पोटेशियम क्रोमेट और सी ओ टू बना लेता है नाओ वी सी प्रोपर्टीज़ फॉर पोटेशियम क्रोमेट फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल प्रोपर्टी ये जो पोटेशियम क्रोमेट है एक लेमन येलो कलर का क्रिस्टलाइन सोलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 968 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा सोल्यबल हो जाता है वोटर के अंदर अनदर प्रॉपर्टीज़ जो एक्वा सोल्यूशन है पोटेशियम क्रोमेट का वो येलो कलर का होता है पर अगर हम इसके अंदर एसिड डाल दें जैसे कि एस्ट्रोएसोफोर तो ये ऑरेंज कलर का सोल्यूशन बन जाता है वो ऐसा क्यों होता है पोटेशियम क्रोमेट एस्ट्रोसोफोर से रिएक्ट करके ऑरेंज कलर का कंपाउंड बना लेता है पोटेशियम डाईक्रोमेट तो प्रिप्रेशन के टाइम हमने देखा डाइक्रोमेट की रिएक्शन के ओएस से कर दी एल्कली से कर दी तो ये बन जाएगा पोटेशियम क्रोमेट और यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि पोटेशियम क्रोमेट की एच टू एस यानी एसिड से रिएक्शन कर देते हैं तो ये चेंज हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट आपस में इंटरकनवर्टिबल हैं अब हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी फॉर पोटेशियम क्रोमेट जो पोटेशियम क्रोमेट है एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कंपाउंड होगा जो खुद रिडक्शन कर लेगा खुद का और जो साथ में कंपाउंड है जिसके साथ रिएक्शन हो रही है उसका ऑक्सीडेशन कर देगा यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा प्लस की तरफ ट्रांसफर कर देगा उस कंपाउंड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं तो पोटेशियम क्रोमेट एच टू एसो फोर यानी कि एसिड की प्रेजेंस में अब एसिडिक मीडियम के अंदर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है इस इक्वेशन के अंदर पोटेशियम क्रोमेट एच टू से रिएक्ट करके पोटेशियम सल्फेट बना लेता है क्रोमियम सल्फेट बना लेता है वाटर और तीन मोलिक्यूल बनते हैं ये नेसेंट ऑक्सीजन के तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये बिहेव करती है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ऑक्सीडाइज कर देता है एच गैस को सल्फर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एच में और एच को सी के मोलिक्यूल के अंदर और पोटेशियम आयोडाइड को चेंज कर देता है आई के अंदर और ये उसके अंदर होता हुआ, कैसे है ये रिएक्शन होती कैसे है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे बिहेव करता है वो समझने के लिए हम इन इक्वेशंस को देखते हैं पहली रिएक्शन के अंदर एच टू एस गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एच टू ओ अलग बना लेता है और सल्फर अलग हो जाती है यहाँ पर एच टू एस के अंदर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है माइनस टू पर प्रोडक्ट साइड में जो अकेला सल्फर मोलिक्यूल बनता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है जीरो जितने भी अकेले मोलिक्यूल या एटम बचते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाती है यहाँ पर क्या हुआ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू से ज़ीरो हो गई यानी कि इंक्रीमेंट हो गया तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर किसकी हेल्प से पोटेशियम क्रोमेट के ऑक्सीजन की हेल्प से और दूसरा एग्जाम्पल सल्फ़र डाइऑक्साइड एच और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एच बना लेता है यहाँ पर एस ओ टू में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर होगी और एच टू एस फोर के अंदर प्लस सिक्स होगी तो यहाँ पर प्लस फोर से प्लस सिक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ गया तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया एस ओ टू का एच टू एस फोर के अंदर अनदर एग्जाम्पल एच सी एल गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और बना लेती है एच टू ओ और सी एल टू एच सी एल के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस वन और क्लोरीन सी एल टू मोलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी जीरो क्योंकि मोलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है न्यूट्रल में तो यहाँ क्या हुआ क्लोरीन की माइनस वन से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होकर के कितनी हो गई फाइनल ज़ीरो तो यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन हो गया सी एल का ऑक्सीडेशन हो गया और लास्ट एग्जाम्पल है के आई पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन एस्ट्रेसो फोर से क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में तो हो ही रही है रिएक्शन और ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन होकर के बना लेता है पोटेशियम सल्फेट प्लस आई टू आयोडीन का मोलिक्यूल तो के आई के अंदर आयोडीन की स्टेट होती है माइनस वन और आई टू मोलिक्यूल की न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी जीरो तो माइनस वन से ज़ीरो का इंक्रीमेंट हो गया तो यहाँ भी क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया आयोडीन का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फोर पोटेशियम क्रोमेट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेड नाइट्रेट बैरियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन जब ये पोटेशियम क्रोमेट तीन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो लेड नाइट्रेट के साथ तो लेड क्रोमेट के येलो प्रेसप्रेड बना लेता है बैरियम नाइट्रेट के साथ बैरियम क्रोमेट के येलो प्रेसप्रेड बन जाते हैं और सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्रोमेट के रेड प्रेसप्रेड बनते हैं तो ये जो कंपाउंड हुआ पोटेशियम क्रोमेट उसका हम यूज़ कर सकते हैं लेड बैरियम और सिल्वर आयन प्रेजेंस को पता करने के लिए तो नाउ अब है यूज़ेस फॉर प्रोटेक्रोट इसके दो यूज़ होते हैं एक तो मैंने अभी बताया इनऑर्गेनिक एनालिसिस के अंदर लेड आयन बैरियम आयन और सिल्वर आयन के टेस्ट के लिए और दूसरा इंडिकेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इन सिल्वर एस्टिमेशन जिसको हम मोहर्स मेथड बोलते हैं नाउ वी सी मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन क्रोमेट आयन की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहीड्रल जो क्रोमियम एटम है वो चार ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ होता है तो ये जो डबल बॉन्ड है ये जो दो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं और जो दो ऑक्सीजन बाकी के बचे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं पर जो डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड होता रहता है इन चारों ऑक्सीजन के ऊपर और ये जो बॉन्ड बोंडलेजन के बीच वो आती है वन सिक्स सिक्स पीकोमीटर और क्रोमेट आयन के अंदर तो ये हुआ क्या कि डबल बॉन्ड या डीलोकलाइज होते रहते हैं ऑक्सीजन पर पर जब ये मॉलिक्यूल बन जाता है कौन सा मॉलिक्यूल पोटेशियम क्रोमेट पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है तो यहाँ पर क्या होता है दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से फिक्स हो जाते हैं और दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से तो जो दो पोटेशियम आइटम्स या आयनस बनते हैं बचते हैं पोटेशियम क्रोमेट के वो सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन से जा कर के जुड़ जाते हैं ये जो आयन होता है इसको हम ऑक्जो एनायन बोल सकते हैं क्रोमियम का यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी क्रोमियम की प्लस सिक्स और क्रोमेट आयन मॉडरेटली स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सो दैट्स ऑल फॉर पोटेशियम क्रोमेट मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो